कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ा कंफ्यूज किस्म का बजट पेश किया। शुरू में ही कहते हैं कि ये हमारे लिए एक इतनी बुरी इकॉनमी छोड़ के गए हैं जिसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और एक दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया था 2021-2022 के नंबर दे। उसके बीच में उन्होंने खुद ये एडमिट किया था, उन्होंने साइन किया था, परफॉर्मेंस तो हमारी थी लेकिन पेश इन्होंने किया था कि पिछले 30 सालों में जो जीडीपी ग्रोथ हमारी 5.74 जो 21 में और 6% 22 में है, ये वन ऑफ दी हाईएस्ट, बल्कि हाईएस्ट ही सिवाय एक साल जो इनका 18 में जो 6.1 आई थी 18 में, और उससे पहले जो थी वो तीसरे साल 4.5, चौथे साल 4.6, और हमने पूरे 30 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई। और ये नहीं कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ हुई, लेकिन हमने जो है एग्रीकल्चर की 4.4% ग्रोथ है वो 30 सालों में सबसे ज़्यादा। उसमें अगर आप देखें कि इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ 7.2% सबसे ज़्यादा है, और LSM की जो 10.4 है वो भी सबसे ज़्यादा कुछ है 30 साल में, और जो सर्विसेज है 6.2 वो भी उसका भी रिकॉर्ड है 30 सालों में। तो जब हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड मतलब उस लेवल पे गई है, तो ये कहना कि भाई हमने बहुत ये हमें कमज़ोर इकॉनमी मिली है और बहुत चैलेंजेस है वगैरह, तो मेरे ख्याल में ये मैं उनको कहूँगा यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, अपना ही किताब जो आपने एक दिन पहले हमें पेश की थी वही पढ़ लो। ये एक बड़ा सीरियस बिजनेस है फाइनेंस और ये बजटिंग, तो कम से कम इस पे तो सीरियस हो जाओ यार। तो उसके बाद अगर हम अगर देखें कि फिर और इनके नंबर्स, और वो देते हैं गाय बगाय नंबर दे देते हैं, और ये सोचते नहीं हैं कि यार वही छप चुके हैं नंबर्स। अब ये डेट टू जीडीपी पे कहते हैं कि जनाबे वाला जब से शुरू पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है उसमें 76% ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इकॉनमी भी हमारी उतनी बढ़ी है। और आपने जब लिया था 14 ट्रिलियन का जब पीपल्स पार्टी गई थी, और आपने उसको 25 ट्रिलियन किया था, वो कितना था? वो 80% था, वो 80% था, वो आपको याद नहीं आ रहा, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते। फिर इन्होंने कहा जब आए कि जनाब ये वाला इनका वो फिस्कल डेफिसिट है वो तो 6.4 होगा, वो तो मुजम्मिल साहब बाद में बताएंगे आपको ये चीज़ें, लेकिन वो 6.4 ट्रिलियन जो है वो नीचे आ गया, वो फिर 5.6 पे आ गया, 5.6 से कल उन्होंने 5.1 ट्रिलियन कह दिया कि जी असल में 5.1 ट्रिलियन है, वो असल में 5.1 ट्रिलियन ग्रोस है, कंसोलिडेटेड तो वो भी 4.55 है, और उसमें इन्होंने 350 बिलियन के ये हमने मैंने जो 466 बिलियन रख के आया था वो उन्होंने उस साइड से तो इस्तेमाल नहीं किए, इसमें उन्होंने लगा दिए, और वरना कितना बजट का खसारा 4.2 ट्रिलियन रुपीज, जो मैंने इनको कहा था कि इतना ही होगा, विच इज़ 6.3% ऑफ जीडीपी। तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, अगर आप जितना मर्जी स्पिन डॉक्टरी करें ये नंबर्स आपके सामने आएंगे और आपका मुंह चढ़ाएंगे। तो मैं इनसे मुझे रिक्वेस्ट होगी इनसे कि भाई अपना तुम इस ये आइंदा से ये नंबर तो सीधा बोल दिया करो। अब जनाब अगर चलते हैं हम इनका बजट, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए उसके बाद हमारी रिकॉर्ड हमने जॉब क्रिएट की 5.5 मिलियन जॉब्स की, इन सबसे ज़्यादा की हमारी 1.84 मिलियन जॉब्स पर ईयर थी, इनकी थी 1.1 मिलियन और पीपल पार्टी की 1.4 पर ईयर। हमारी जो अगर आप देखें रिमिटेंसेस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ग्रोथ है उसमें, और ये सारा कुछ जो है हमने जब किया और वो सारा इन्होंने अपने सर्वे में दे दिया। अब बजट पे आ जाए, बजट के मैं कहूँगा कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ये फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क जो है उसमें आएगा जनाब आपका जीडीपी ग्रोथ आएगा, उसके बाद उस फ्रेमवर्क के बीच में हम लेके आएंगे इसके
रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस लेके आएंगे और इसके बीच में फिर हम ये करेंगे इनका फिस्कल डेफिसिट क्या होगा। इन्होंने जो ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं उसको दिया है 5%, हमारा 6% हुआ है, ये 5% पे है। आज 5% पे जब इन्होंने ग्रोथ की बात की है तो इन्होंने कहा है कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी 3.9%, और 3.9% जो हमारी थी 4.4, और अब 3.9% की बात कर रहे हैं, और वो उस वक्त बात कर रहे हैं जब पानी का फुकदान इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ इन्होंने फर्टिलाइज़र की जो है वो आप कीमतें आसमान पे हैं। अगर आप देखेंगे डीजल जिस पे उन लोगों के किसानों के ट्यूबवेल चलते हैं उसकी जो कीमतें आपको मालूम है कितनी बढ़ा चुके हैं और कितनी और बढ़ाएंगे। इसके साथ ये अगर ये एग्रीकल्चर की इनका ख्याल है कि ग्रोथ 3.9 होगी तो ये बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो 7.2 थी वो पूरे 30 सालों में सबसे ज़्यादा थी, और ये कह रहे हैं हम 7.1 करेंगे, और 7.1 अगर करेंगे तो कब करेंगे, जबकि इन्फ्लेशन जो है अभी 24% हो चुकी है। आपने कल SPI देखा होगा, SPI का नंबर आया वो 24% आया है, तो उसकी साथ इन्होंने जो भी पावर अभी पावर का बीच में वो नहीं आया जो इन्होंने 47% बढ़ाया, गैस जो 45% बढ़ाई वो नहीं आई, और ये जो है इन्होंने जो मराद दी थी हमने इंडस्ट्री को वो ये वापस ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ करके उसके बावजूद ये समझ रहे हैं कि 7.1 बनेगी, तो वो 7.1% नहीं होगी, आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और ये जो है ये पूरी जो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये अफेक्ट करेगी। सर्विसेज अगेन ये इनका ख्याल है कि सर्विसेज जो है वो 5% बढ़े, 5.1%। बैंकों के ऊपर रेट्स इन्होंने कुछ 10-10, 12-12% टैक्स रेट बढ़ा दिए। उसके बाद आप देखें कि जो डीजल वगैरह की जो है उसकी 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 प्राइसेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अफेक्ट होगी। इस सो ये सारे इस सिनारियो के बीच में ये जो है इनकी ग्रोथ फिगर जो है वो सस्पेक्ट हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो इन्होंने नंबर दिया है जो 5% GDP ग्रोथ के बाद एक सस्पेक्ट नंबर दिया है जो कि इन्होंने बिल्कुल कोई उसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई, वो है इन्फ्लेशन का नंबर। इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है 13.84 CPI, लेकिन वो उसके उस वक्त थी जिस वक्त के पूरा ये 60 रुपये का इम्पैक्ट नहीं आया था। जैसे 60 रुपये का इम्पैक्ट आया तेल की और डीजल की प्राइसेस पे, वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो 24 पे चली गई है, और अभी इसमें आप और चीज़ें वो जो दो तीन चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक तो इन्होंने फिर से बढ़ानी है पेट्रोल की प्राइसेस, जो खुद उन्होंने कल अंदिया दे चुके हैं वो बढ़ाएंगे, और बिजली और गैस की जब बढ़ाएंगे तो हमारे ख्याल में ये इन्फ्लेशन जो है ये 25-30% चली जाएगी। हफीज पाशा जैसे जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो भी 23-25% की बात कर रहे हैं। जब आपकी इन्फ्लेशन जो है 25-30% जाएगी और आपकी जो फैक्ट्रियाँ मैंने जैसे पहले कहा वो जब इसके साथ डिस्काउंट रेट जो है, जब इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो डिस्काउंट रेट भी ऊपर जाता है, बैंक भी अपने जो है रेट्स ऊपर बढ़ा देते हैं, वो जब ऊपर बढ़ाएंगे तो ये बिजनेसेस कैसे प्रॉस्पर करेंगी, कैसे ग्रो करेंगी जो ये दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने धमाका किया है, और उसके बाद कल जब उनसे इंटरव्यू में बात की तो उन्होंने कहा हाँ चले 11.5 नहीं होगा तो 12.5 होगा, 13.5-14 हो जाए। अरे भाई इस तरह नहीं होता, ये सीधी सीधी बात है, ये आप इसके बीच में सीरियसनेस दिखाएं। अब इस इनके बजट के बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ख्याल के बीच में इन्होंने ओवर बजट किए हैं या अंडर बजट किए हैं। पहले तो यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है अब 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे, 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे उसमें, और उनको जुलाई से डालने पड़ेंगे। उन्होंने कल एक जवाब सवाल के जवाब में कहा मैं 5 रुपए से शुरू करूंगा। अरे भाई तू अगर 5 रुपए से शुरू करेगा तो क्या तू जाके 80 रुपए पे ख़त्म करेगा, तो शुरू ही आपको 35 रुपए करनी पड़ेगी, तो ये एक और तूफान आएगा लोगों के ऊपर। फिर इन्होंने GIDC की बात कर दी कि हम जो वो जो गैस की जो डेवलपमेंट लेवी है वो हम लगाएंगे,
अरे पहले पहले ही जो जीआईडीसी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ने उसके ऊपर डिसीजन लिया, उसके बावजूद फर्टिलाइजर कंपनियां नहीं दे रही, तो अभी वो 200 और दे देंगी इनको, कैसे दे देंगी? तो ये भी इस किस्म का नंबर है। उसके बाद आपकी पावर सब्सिडीज की बात हुई, पावर सब्सिडीज ने पिछली दफा हमने एक एक ट्रिलियन की दी हैं पावर सब्सिडीज, क्योंकि जो ये बड़े एक्सपेंसिव कारखाने लगा के गए थे और लोगों के साथ मुआहदे करके थे, उनकी जो जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स थी पिछले साल वो 850 अरब रुपए की थी, इस दफ़ा वो कैपेसिटी पेमेंट्स इन्हीं के कारखाने लगे हुए कारखानों की कैपेसिटी पेमेंट इस साल होंगी 1400 अरब, और इन्होंने सब्सिडी कम करके 570 कर लिए, तो बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये पैसे आएंगे मतलब ज़रूर उनको देने पड़ेंगे, और जब देने पड़ेंगे तो उसके बाद ये आके फिर से एक मिनी बजट डालेंगे। तो आप अगर इस इन चीज़ों को देख लें तो इसमें इसके काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो कि बेसिकली इन्होंने कम एक किस्म से ऐसे मतलब इनकम दिखा दिए जो इनको कलेक्ट ही नहीं होंगे। हमारे ख्याल में इन्होंने जो बेसिकली रेवेन्यू का जो टारगेट है, हमने 6.1 कहा था, इन्होंने उसको 6 कर दिया है, और फिर आगे जाके इन्होंने उसको सिर्फ 7 किया। हमने एक साल में 1400 अरब रुपया जो है ऐड किया था, ये पूरे एक साल में एक एक ट्रिलियन कर रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, जब ये अपने आप को ग्रोथ भी 5% दिखा रहे हैं। हमारा एस्टिमेट है कि ये हमने आपको नंबर्स भी दिए हैं, 7.9 ट्रिलियन तो मिनिमम होना चाहिए था, और उसके बाद उसमें अगर आप देखें तो हमारे ख्याल में इनकम टैक्स बढ़ना चाहिए था, कस्टम भी, GST भी, और इन्होंने जो स्टेट बैंक के प्रॉफिट से हमारे वक्त में वो 800 अरब रुपए है, इन्होंने उसको उठा के 300 अरब रुपये कर दिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी इनको डेफिनेटली हर्ट करेंगी। हमारे ख्याल के बीच में ये जो इन्होंने लो बॉल किया FBR को, और उसमें मैंने 5 प्रोग्राम्स नए शुरू किए हुए थे, टैक्स ब्रॉडनिंग, टैक्स डीपनिंग, उसके बाद आपका ट्रैक एंड ट्रेस और कस्टम्स का, सारा कुछ उन्होंने रोक दिया, और ये अपने वही पुराने उस हरबे पे चले गए हैं जिसके बीच में फिक्स्ड इनकम टैक्स लेके आ जाएंगे, और जो है निचला इन्होंने 1.2 मिलियन तो कर दिया, लेकिन ऊपर सब के ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, तो वही पुरानी मंत्रा जो पुराना पाकिस्तान है उसी तरीके से ये चल रहे हैं। और ये जो हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ गए थे, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम टैक्सेशन जो है बढ़ाएंगे और ब्रॉडनिंग करेंगे, 43 मिलियन नए टैक्स पेयर्स का डेटा मैं छोड़ के आया हूँ, और वो जो है वो ये उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी ये डिस्टॉर्शन भी जो है वो हमने मूव की थी, जिसके बीच में ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाले होते हैं, ये माल थोड़ा मतलब दिखाते थोड़ा है, ज़्यादा मंगवाते हैं और उसको बाद लोकल मार्केट में भेज देते हैं। हमने फिर उसको कहा कि जिस वो आप मंगवाएंगे उस पर सेल्स टैक्स लगाएंगे, आप हम रिफंड दे देंगे। ये सारा कुछ इन्होंने रिवर्स कर दिया। मुझे नहीं समझ आती कि ये IMF इसको कैसे अप्रूव करेगा। उसके बाद आप जो चीज़ें पहले IMF हमारे वक्त में मना करता था, इन्होंने वो कर दी हैं। मेरे ख्याल में इनको IMF से प्रॉब्लम होगा। एनर्जी पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इनको बता दें। शौकत दरीन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अवाम को इस बजट में जो ये टाइम बॉम या बारूदी सुरंग इन्होंने लगाया है, लगता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दे। आपको बताता चलूँ मीडिया की तवसत से अवाम को कि आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा, 300 और 310 रुपए फी लीटर। मुझे बताएं जो काश्तकार ट्रैक्टर चलाता है या डीजल पे अपना ट्यूबवेल चलाता है वो कहां पे जाएगा? आपकी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, आपकी ज़राअत खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ हर चीज का पहिया जो है वो आपका डीजल पे चलता है। आपकी जितनी अशिया खुर्दनोश हैं वो आसमान से बातें करेंगी। उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें चलेंगी तो आपकी सनत का कारोबार का पहिया उधर ही जायम हो जाएगा। आपके जितने टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, रुपए पे मजीद प्रेशर आएगा। इसके साथ साथ आप आगे आए बिजली की कीमत में, बिजली की कीमत जो 16 रुपए है
हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी वो तकरीबन इस वक्त, ये आप देख लीजिएगा कि अगले महीने डेढ़ के अंदर अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। 39-40 रुपए फी यूनिट जिस वक्त बिजली जाएगी तो कारोबार कहां पे होगा, आपके घरेलू सार्फीन क्या करेंगे। एक तो ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली है नहीं 7000 मेगावाट, दही इलाकों में चले जाएं 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग, और ऊपर से कीमत 39-40 रुपए यूनिट, तो लोग इनको पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे। इसके साथ साथ जो हम लोग और इमरान खान साहब बात करते रहे हैं और शौकत तरीन साहब बात करते रहे हैं कि एक तसलसल चल रहा था तरक्की का, 6% ग्रोथ रेट आई है, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सनअत, ज़राअत, सर्विसेज, हर सेक्टर में ग्रोथ आई है। ये बुजरा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बड़े खुशी खुशी वहां पे जाके इम्पोर्टेड आपके इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे को वो उसको अपना रहे हैं, या उसमें उनको कोई मतलब ख्याल होता, या वो समझते कि ये फिगर्स हमारी हुकूमत की ठीक नहीं है तो उसकी उसको आप रद्दी की टोकरी में रद्द कर देते, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो हकीकी मानी में वो आपकी ग्रोथ आई थी। जिस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत बैनुल अक्वामी साजिश के तहत पे वो मरासले की बिना पे लाई गई, उससे हुआ क्या, ख्वातीनो जात, बैनुल अक्वामी रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान की बैंकिंग की रेटिंग नीचे की। उस बैंकिंग की रेटिंग नीचे होने से क्या हुआ कि इस वक्त जो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट जिससे कारोबार दुनिया का चलता है उस पे जो आपकी एलएनजी हो या आपका तेल हो या आपका कोयला हो, उन्होंने कह दिया कि आप 100% मार्जिन रखेंगे और स्टेट बैंक से फॉरवर्ड कवर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पाकिस्तान में जो आपके 400 MMCFD या 4 LNG के जहाज जो हर महीने स्पॉट कार्गोस के आने हैं वो नहीं मिलेंगे, आपको RFO से आपके प्लांट नहीं चलेंगे, आपके कोयले से बिजली के प्लांट नहीं चलेंगे। तकरीबन जून जुलाई में आपका बिजली की जो शॉर्टफॉल या कमी आएगी लोड शेडिंग वो 7000 मेगावाट होगी, जो मर्जी है ये झूठ बोलते रहे, आपकी लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी और बिजली होगी नहीं क्योंकि कारखाने में ईंधन नहीं है, और उसके साथ साथ महंगी बिजली, और उसके साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कारोबारी जो सनअतें हैं उनका बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। तो इसकी बुनियादी वजह इस सारी चीज की, इस महंगाई के तूफान की क्या है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत बैनुल अक्वामी साजिश की वजह से लाई गई, और यही मकसद था कि पाकिस्तान की मईशत का जो बुनियाद है, जो सही तर्ज तरीके में शौकत तरीन साहब की सरबराही में ये एक किश्ती एक सही डगर पे जा रही थी, उसको खराब किया जाए। इसके साथ साथ अभी आप ये सुन लें कि आपका ख्वातीन और हजरात जो गैस में अभी जो आपकी इंक्रीज या आपकी कीमतें तेज होंगी, ये मेरे पास ओग्रा की डिटर्मिनेशन भी पड़ी हुई है, इसके मुताबिक ये तकरीबन इन्होंने 3 जून 2022 को ये नेट पे अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं, और इनके रेट जो है ये भी आपको अवेलेबल है, ये आखिरी पेजेस का एनेक्चर भी है, इसमें आप देख लें 400% ख्वातीन और हज़रात 4 गुना, वो किस कैटेगरी में, 0.5 और 1 HM³ जो आपका सारिफ है, जो आपका गरीब तरीन सारिफ है, उनके बिलों में 400% इजाफा होने जा रहा है। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा जनाबे वाला कि आपका सारिफ जिसका बिल 121 रुपए माहाना आता है गैस का फर्जे माल, वो 854 रुपए होगा। दूसरी कैटेगरी जिसका बिल 1350 रुपए माहाना आता है, उसका बिल तकरीबन 3834 रुपए होगा। गरीब किधर जाएगा, एक साइड पे गैस का बिल इतना हो गया, यानी कि आपका 1350 से लेके 3834 या 4000 हो गया, बिजली का बिल फी यूनिट जो है वो उठ के 16 रुपए से उठ के 40 रुपए पे चला गया, बिजली है नहीं, गैस की लोड शेडिंग गर्मियों के मौसम में कभी कोई सोच नहीं सकता था, फर्टिलाइजर आपका नापैद हो गया, तो लोग करेंगे तो क्या करेंगे, आपकी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, छोटी इंडस्ट्री आपकी बंद होने जा रही है, तरखान आपका वेल्डर डेंटर पेंटर इनकी दुकानें बंद हो रही हैं,
पैसा कौन कमाएगा, तनख्वाहें कौन कहां से मिलेंगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखते चलें कि जो ये पाटा में आज ही हमारे वजीर खजाना केपीके के तैमूर खान जगड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी आप सुने खवातीन हज़रात। तकरीबन पाटा का जो बजट है वो जो फॉर्मर पाटा होता था अभी केपी में मर्ज हो गया, इनका बजट जो था वो तकरीबन 60 अरब रुपए का था और ये पहले इसको इमरान खान साहब ने 131 अरब रुपए पे इसको लेके गए थे। इन साहिबान इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आके उसको भी कटौती कर दी। वहां पे पाटा में इस वक्त तनख्वाहें देने के लिए नहीं होंगी, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है कि असातिज़ा को आपके जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें भी दी जाए वो भी नहीं होंगी। तो ये तो जुल्म कर रहे हैं। तो इस पूरे पस मंजर में आप देखें न बिजली न गैस आपका, लोग मुझे लोग मेरे हल्के से कहते हैं जी हम लोग मोटरसाइकिल चलाना हमने बंद कर दिया क्योंकि पेट्रोल की कीमत इतनी चली गई है। जिस वक्त 310 रुपए का पेट्रोल होगा तो गरीब आदमी कहां पे जाएगा, वो रोजी कहां से कमाएगा, काश्तकार क्या करेगा, इंडस्ट्री क्या करेगी। तो लोड शेडिंग जो है वो 7000 मेगावाट, जो इसका मतलब है कि 1/33% आपकी कैपेसिटी लोड शेडिंग है। जिस तरह शौकत तरीन साहब ने बात की है कि जिस वक्त 2018 में इनके किए हुए वायदे उस वक्त फिक्स पेमेंट कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब की थी, आज 1400 अरब रुपए की हो गए इनके वो वायदे। तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कुदरत के काम, जो खड्डे इन्होंने मुल्क के लिए खोदे थे उसमें खुद ही गिर रहे हैं ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले। बहुत शुक्रिया।